प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। आज हम विजयी होकर आगे बढ़ने व अग्रसर होने के बारे में कह रहे हैं, और एक चीज जिसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना है वो है क्रोध की भावना जो हमारे हृदय में है। तो आज के संदेश को सुनने के लिए आप तैयार रहिए। हमें ये सोचना बंद करना चाहिए कि हमें खुश रखने के लिए हर एक को उनके व्यक्तित्व और चाल चलन में परिवर्तन लाना चाहिए। हमें स्वयं जिम्मेदारी लेकर अपनी भावनाओं और अनुभूतियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जरा भी कल्पना तक नहीं कर सकती कि अगले वर्ष आप यहाँ दोबारा जब आएंगे तब आपके जीवन में घटित कितनी महान घटनाओं का वर्णन करेंगे। इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है मैं उसे सहूंगी, और चाहे जितनी भी ठेस लगे मैं दुख दर्द को भूल कर आगे बढ़ूंगी और विजयी होकर उस ओर जाऊंगी। मुझे इसे दोबारा कहना होगा। यहाँ से चले जाने के बाद मैं देखूंगी कि मेरे जीवन में सचमुच क्या हो रहा है। मैं आपको दोष नहीं दूंगी और आपको भी दोष नहीं दूंगी। उसका अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं जो आपसे बुरा व्यवहार करे, निश्चय ही है। मैं जानती हूं कि परमेश्वर चीजों का प्रयोग करता है। यदि हम एक दूसरे के रास्ते में आ जाए तो प्रभु किसी न किसी का प्रयोग अवश्य करता है, और यदि एक का प्रयोग ना करे तो किसी दूसरे का अवश्य करेगा। उसका अर्थ ये नहीं कि आप लोगों का सामना ना करें, इसका अर्थ नहीं कि आप जमीन पर लेटकर दूसरों को आपके ऊपर से चलने दें। मैं ये कह रही हूं कि हमें ये देखना है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। हम मांस और रक्त से नहीं बल्कि सामर्थ्य और प्रधानताएं और ऊंचे स्थानों की दुष्टात्माओं से लड़ते हैं। ठेस पहुंचते हैं, दोष देने की सोचते हैं, सबसे पहले यही बात होती है, मुझे चोट लगी तुम्हारी गलती है। अपने गुस्से पर काबू रखिए। गलत जगह पर दोष डालने से हमारा दुख और भी बढ़ जाता है। इससे न दुख कम होता है और न ही दूर होता है। शैतान ही हमारा असली दुश्मन है। उससे लड़ने का एक गुप्त हथियार है जो रोमियो 12 में स्पष्ट है। मेरे ख्याल से कई मसीही इसे चूक जाते हैं। दुश्मन का विरोध करने का एक हथियार है। प्रभु ने आपको ऐसा कुछ करने की क्षमता दी है जिससे कि शैतान दौड़ जाएगा। आप पूछेंगे वो क्या है? देखिए, आपके साथ जो लोग बुरा व्यवहार करते हैं उनकी आप भलाई कर सकते हैं। मैं ऐसा करना नहीं चाहती, क्यों? क्योंकि आपको दुखों को भूलकर आगे बढ़ना है। यदि हम वो करना सीख लें जो प्रभु हमसे कहता है, चाहे जैसा भी हो, तो एक वक्त आएगा जब हमें आश्चर्य होगा और अच्छा लगेगा और विश्वास नहीं होगा, परंतु अभी आपको उसकी कीमत चुकानी होगी वहां जाने के लिए जहां आप जाना चाहते हैं। मेरे पति बहुत तंदुरुस्त और देव शारीरिक तौर पर मुझसे भी बढ़िया है। उनमें अधिक शक्ति और अधिक ताकत है, और जब भी मैं मुड़ती हूँ मैं खुद को चोट पहुँचाती हूँ। मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ और पीठ पर चोट लगती है। बस ज़रा सी हल्की चोट, ये नहीं कि मैं बीमार हूँ या सचमुच बेहाल, पर भी बहुत ही तंदुरुस्त और ताकतवर हैं। लेकिन क्या आप जानते, डेव अपने जीवन में 16 साल की उम्र से निरंतर हर दिन व्यायाम करते आए हैं। हर एक दिन वे कसरत करते हैं, कुछ दिन 1 घंटे और कुछ दिन आधे घंटे और कभी कभी 2 घंटे। उनकी त्वचा 25 साल की जवान जैसी है, उनके चेहरे पर कहीं भी झुर्रियाँ नहीं है। मेरा हाल ये कि जो कुछ यहाँ था वो यहाँ आ गया है, कुछ को मैंने दोबारा उनकी जगहों पर रखकर सिला है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैंने सोचा चलो देखते कि और किन चीज़ों को उठाया जा सकता है। वे कहते हैं आप पूरा बॉडी लिफ्ट कर सकती हैं। आमीन। मेरी बाहों में थोड़ी सी झुर्रियाँ आने लगी थी, जैसे कि अक्सर बाहों में होता है, तो फिर आपको स्लीवलेस पहनना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा अच्छा प्रभु की स्तुति हो, मैं कोशिश करूँगी। और उससे मेरा हाथ खराब हो गया, मुझे इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, अब मैं उठक बैठक करूँगी तो मेरी पीठ में दर्द होने लगा। ये ऐसा है कि प्रभु मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ और खुद को चोट पहुँचा रही हूँ। फिर मैंने सोचा इससे मैं तंग आ गई हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग करने जा रही हूँ और मैं जानती हूँ कि यहाँ के मसूड़े खिंच जाएंगे और यहाँ एक प्रकार से जम जाएंगे और किसी को उसका पता नहीं चलेगा।
कम ऑन, क्या आप लोग मेरा न्याय कर रहे हैं? आप भी ऐसा करना चाहते हैं? देखिए देव ने कीमत चुकाई। बहुत तरीकों से उसे चुकाया। आज वे जैसा रहना चाहते हैं उसकी कीमत तब उन्होंने चुकाई। तब मैंने कोई कीमत नहीं चुकाई, पर अभी चुका रही हूं। क्या इस भवन में इस समय लोग जागृत हैं? या तो आपको अपने दुखों को भूलकर विजय की ओर बढ़ना है, या फिर उसी बदबूदार कमरे में रहते हुए जब तक डिओड्रेंट लगाकर खुशबू लाने की कोशिश में जीवन भर लगे रहना है। प्रभु भला है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर चुकाने को एक कीमत अवश्य है। आपको किसी न किसी चीज से होकर गुजरना है। जीवन में जो गलतियां हुई हैं उसके लिए किसी और को दोष मत दीजिए। जब से मैंने प्रार्थना करना और शैतान पर अधिकार जमाना सीखा, मैंने हर चीज को धिक्कारा है, हर एक को धिक्कारा है। हे प्रभु, तुझे देव को बदलना है, बच्चों को बदलना है, मेरे पड़ोसियों को बदलना होगा, मेरे बॉस को बदलना होगा। तब प्रभु ने बताया कि मैं ही समस्या हूं। आपको याद है ना, मैंने पहले भी कहा था कि आपकी खुशी कोई दूसरा चुराने का अवसर मत दीजिए। आपकी खुशी की जिम्मेदारी किसी दूसरे को मत दीजिए। आपकी खुशी के जिम्मेदार आप खुद ही हैं, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं कि आपको जोशीला बनाए और सारा दिन खुश रखे। यहीं पर हम गलती करते हैं, हम किसी से शादी करके हमें खुश रखने की जिम्मेदारी उन पर छोड़ देते हैं। हमें उनके साथ रिश्ता जोड़कर प्रभु से पूछना चाहिए कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं, और फिर उन्हें देकर हम खुश हो सकते हैं। लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं, आप मुझे खुश कीजिए। नहीं, प्रभु कहता है दूसरों को दो। दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? दूसरों के लिए कुछ करने पर आप महिमामय और अवर्णनीय आनंद पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब दूसरा कोई अपनी मर्जी से कुछ करता है और आप नहीं चाहते कि उस तरह से करे, तब कितना दुख होता है? एक बार जब उसे होने देते हैं तो आपके अंदर एक आत्मसंतोष रहता है जो आपकी इच्छा अनुसार करने पर आपको नहीं मिलता। हम अवर्णनीय और महिमामय आनंद को पाने के लिए शरीर से सौदा करते हैं। छोटी सी शारीरिक वस्तु से हम उस वास्तविक चीज का सौदा करते हैं जिसे देने के लिए यीशु मरा। ये जानने से बढ़कर कोई उत्तम अनुभव नहीं है हमारे जीवन में कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, आपको वही करना है जो प्रभु ने आपसे कहा है। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है और लोगों की भलाई करने की शक्ति दी है, उन लोगों की भी जो हमारी बुराई करते हैं। प्रभु ने हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने की शक्ति दी है। उसने हमें क्षमता दी है कि हम उन लोगों पर गुस्सा ना करें जो आपको ठेस पहुंचाते या हमला करते हैं। प्रभु ने हमें कहने की शक्ति दी है कि प्रभु ने क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और यही सत्य है, कई बार लोग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपने दुख दर्द की प्रतिक्रिया करते हैं, वे आपके पीछे भी नहीं पड़ते, आप ही बीच में आ टपकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे शत्रु को मेरे साथ शांति से रहने दिया। प्रभु उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, वे मुझे नहीं जानते हैं। सचमुच हमें यह समझना है कि वास्तव में लोग नहीं जानते हैं, और हमें उन पर तरस खाना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने पर आप आजाद हो जाते हैं। रोमियो 12:21 एक बहुत ही प्रभावशाली आत्मिक रहस्यों में से एक है, और अच्छा होगा कि लोग इसे अच्छी तरह से जान लें। हम बुराई को भलाई से जीतते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उनके साथ बातें नहीं कर सकती, उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई है। जी हाँ, आप कर सकते हैं। आप इतना कहिए कि प्रभु तेरी कृपा और दया से मैं इस व्यक्ति से मुंह नहीं मोड़ूंगी, और मैं जिस कमरे में वे हैं वहां जाऊंगी और उनके पास जाकर मैं अच्छी तरह से मुस्कुराऊंगी और मैं उनसे कहूंगी कि आज आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, आप कैसे हैं।
हम करती ये कि हम उस कमरे के अंदर घुसते और हमें ठीस पहुंचाए हुए किसी को देखने पर कहते मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। बाइबल कहती है अपने शत्रु से प्रेम करो, शाप देने वाले को आशीष दो। क्या आप आशीष का अर्थ जानते हैं? ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है बढ़ाई करना और शाप देने का अर्थ है बुराई करना। यदि हम हमें दुख देने वालों के बारे में किसी से ना कहें या उनकी बुराई करने या फैलाने से इनकार करें और उनके बारे में किसी के मन में बुरे विचार पैदा ना करें, यदि हम दूसरों को उनके बारे में अच्छा विचार रखने का अवसर दें तो वाह, पर यह बहुत ही मुश्किल है। ओ जानते मैं उसके साथ था और ओह वास्तव में कल आप मेरे साथ थे और किसी दूसरे के बारे में कह रहे थे। अभी मैं भूल गई कि वो कौन था, कितना अच्छा और कितना महान, कितना ये। और मैंने सोचा अरे मैं जो कुछ जानती हूँ उसे बता देना चाहती हूँ। देखिए प्रभु मुझसे सिर्फ इतना ही कह रहा था कि अपना मुंह बंद रखो। जानते हैं मुंह को बंद रखना कितना मुश्किल होता है, वो कितना दर्दनाक होता है, क्योंकि हम हर कुछ कह देने की इच्छा रखते हैं अपने मन में। हमें जो कुछ कहने की इच्छा होती है उसे हम कह देना चाहते हैं। देखिए ये मुश्किल है, आपको लगता है कि आप घुट घुट कर मर जाएंगे। वास्तव में ऐसा ही होता है, वे बुरी चीजें मर जाती हैं क्योंकि हम उन्हें पोषण नहीं देते हैं। जब भी हम शैतानी अनुभूतियों को स्थान देते हैं तो उन्हें बढ़ावा मिलता है और वे जिंदा रहते हैं और बाद में हम पर नियंत्रण करने की सोचती हैं। हमें बुराई को भलाई से जीतना चाहिए। भले बनकर सही कार्य करने पर शैतान को दुख होता है। शैतान बहुत ही दुष्ट और अधर्मी है और जैसा कि हम पहले बता रहे थे, यदि हमारा दिन बुरा होता है और हम उन लोगों के आसपास रहते जो वास्तव में खुश रहता है तो हम चिढ़ जाते हैं। शैतान में कोई भी अच्छाई नहीं रहती, वो नीच और दुष्ट है। इसलिए जब हम भला और उचित कार्य करते हैं तो उसे बहुत ही कष्ट होता है। क्या आप ये जानते हैं किसी की भलाई करने पर शैतान दुखी हो जाता है? हर बार जब हम प्रेम व्यक्त करते हैं तो वो तो बस और ये सच है। मैं ये जानती हूं और आपको बता रही हूं, जब मैंने एहसास किया कि शैतान ने मेरे पिता के जरिए मेरे लिए क्या किया, क्योंकि किसी ने उनको चोट पहुंचाई थी। दुखी लोग दूसरों को दुख देते हैं, जब तक कि कोई खून की रेखा नहीं खींच लेता ये चलता ही रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर और पीढ़ी दर, और शैतान बहुत ही प्रफुल्लित होता है। पर बाइबल यशाया 61 में हमें बताती है कि जब हम प्रभु को अवसर देते हैं वो पूर्व काल के खंडहरों में फिर बनाकर उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हों उन्हें फिर नए सिरे से बसाएगा। हाँ मेरे खून के रिश्तों में भी उजड़ापन था, उसका इतिहास भरा हुआ था। निंदा क्रोध दुष्प्रयोग और हिंसा की भावना से, पर क्या आप जानते ये यहां पर रुक गया? उसे रोकने के लिए मैं कीमत चुकाने वाली हूं। ये मेरे परिवार के लिए मेरी वैदिकता है, इसीलिए मैं आज यहां आपके सामने खड़ी होकर प्रचार कर रही हूं। शायद इसका हल्का प्रभाव मेरे किसी बच्चों पर, खास तौर से बड़े बच्चों पर हो सकता है, पर वो भी ठीक हो जाएगा। और जब तक कि उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, ओह देखते रहना शैतान, आगे कभी तुझे बर्बादी की निशानी तक नजर नहीं आएगी। मैं जानती हूं कि मैं शैतान को धिक्कार सकती हूं जब मैंने एहसास किया कि उसने मेरा क्या किया। ओह आप पगला जाते हैं, तूने मेरा बचपना चुराया, मैं कभी बच्ची ही नहीं रह सकी। जब मैं 23 की थी, और मैं झूठ नहीं कह रही हूं, मुझे याद तक नहीं कि मैं कभी खुश थी और कभी अपने जीवन में आजाद थी और निर्भय थी। आप पूछिए 23 क्यों? खैर जब हमारी शादी हुई थी डेव 26 की और मैं 23 की थी। मुझे याद है एक दिन हम बातचीत कर रहे थे और डेव अपने बचपन की मस्ती भरी घटनाएं सुना रहे थे, और उनके पास पैसे नहीं थे, शराब के कारण पिता की मौत हो चुकी थी, पर उनकी माँ बड़ी धर्मी थी जो उनके लिए प्रार्थना करती, उनसे प्रेम करती, उनकी देखभाल करती और उन्हें अक्सर चर्च ले जाया करती थी। डेव अक्सर अपने बचपन की मौज मस्तियों की याद किया करते। तब एक प्रकार का दुख मुझ पर छा गया और मैंने सोचा मैं तो मस्ती के बारे में सोच भी नहीं सकती,
मैं क्रोधित थी। यदि हम उस क्रोध पर काबू करना नहीं जानते हैं तो हम किसी न किसी पर उसे उतारने की ताक में रहते हैं। अक्सर हम हमारे जीवन में घटित बातों के लिए उन लोगों को कीमत चुकाने को मजबूर करने की कोशिश करते हैं जिनका उससे कोई संबंध भी नहीं रहता, परंतु हम उन पर गुस्सा उतारकर अपने रिश्ते नातों को एक के बाद एक बिगाड़ते जाते हैं तथा उन लोगों पर दोष लगा देते हैं जबकि वास्तव में वे निर्दोष होते हैं। दोष शैतान का है। तो फिर मैं शैतान को पीछे कैसे भगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसे हराना है। आप लोगों की भलाई कीजिए और शैतान से पर हाथ रखकर भागेगा। जहां भी जाएं आशीष बने रहिए, सुधार कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, सकारात्मक रहिए। आप जिनके भी साथ रहे उन्हें खुद के बारे में अच्छा विचार रखना सिखाइए। प्रभु के लिए महान कार्य कीजिए। मैं आशा और प्रार्थना करती हूं कि सुबह उठकर जैसे ही अपना पैर जमीन पर रखूं तो पाताल कांप उठे। अरे वो फिर से उठ गई। आइए हम उस रास्ते से निकल पड़े। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह उठते ही एक और दिन कुड़कुड़ाने में बिताकर तीन चार लोगों को नाराज करें, चार पांच को डराएं और नौ दस की निंदा करें। नहीं, हमें नाराजगी पर, क्रोध और कड़वेपन पर काबू रखना चाहिए और हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर वही सब सोचना चाहिए जिनके बारे में सोचना हो। हमें दबाकर और धकेल कर अपने विचारों को संयमित रखकर दिन में एक बार जीना, वही एक बार में एक चीज, एक बार में एक संबंध को अवसर देना चाहिए ताकि जय पा सके। रोमियो 12:19, हे प्रियो अपना पलटा ना लेना, बदला। एक दिन मैंने एक व्यक्ति की कहानी सुनी जिसे एक पागल कुत्ते ने काट डाला था। वो आदमी बहुत बीमार पड़ा और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाएं दी और उसे सलाह देते हुए बताया कि वो किस तरह के लक्षणों की उम्मीद कर सकता है। उसके बाद उस आदमी ने एक लंबी सूची तैयार की। डॉक्टर ने सोचा शायद इसे अपनी मौत का डर है, इसलिए वसीयतनामा तैयार कर रहा है। उसने कहा, अरे भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम मरने वाले नहीं हो। उसने कहा कि मैं जानता हूँ, मैं तो उन लोगों की सूची बना रहा हूँ जिन्हें मैं ठीक होने से पहले काटना चाहता हूँ। दुख की बात है लेकिन हम में से अनेक ऐसे ही हैं। मैं अपनी समस्या से तुम्हें काट डालूंगा लेकिन बदला लेना बुरी बात है। प्रभु कहता है वो हमारा काम नहीं है, वो उन चीजों में से एक है जिस पर हम हाथ नहीं लगा सकते। प्रभु कहता है दशमांश पर हाथ मत लगा, मेरे अभिषेक की हो क्यों मत छू, मेरी महिमा को मत छू, बदला लेने पर हाथ ना लगा। हम बदला नहीं ले सकते, वो अधिकार हमारा नहीं है। प्रभु कहता है पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही उसे करूंगा। परमेश्वर प्रतिफल देने वाला प्रभु है। हालेलुया। यदि आप दुख दर्द से गुजर रहे हैं, फल पाने का वक्त आ गया। फल पाने का वक्त आ गया। हालेलुया। पाताल का कोई भी शैतान आपको प्रतिफल पाने से रोक नहीं सकता। पृथ्वी पर कोई मनुष्य आपको प्रतिफल पाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रभु कहता है। हम उन लोगों से कैसे दोबारा पा सकते हैं जो हमें लौटा नहीं सकते। आपके लिए एक प्रश्न, मेरे पिता मेरा बचपन मुझे कैसे लौटा सकेंगे। जब मैं 40 की थी तब मैं इसके बारे में सोचने लगी। ओह, मैं कभी बच्ची ना रही, इसीलिए मुझे काम करने का नशा हो गया, क्योंकि मैं खेल नहीं सकती थी। यदि मैं मौज मस्ती करके खेलती तो मुझे लगता कि मैं दोषी हूं और हंसना चिल्लाने के बराबर था, तो मैं काम करने में ही लगी रही। मैं तब तक काम करती जब तक मर सी गई, क्योंकि मैंने सोचा कि लोग मुझे सिर्फ इतना ही करने की अनुमति दे सकते थे। ओह, मैं क्रोधित हुई। ओह, मैं कभी बच्ची नहीं रही। पर क्या आप जानते हैं, मैं सीख रही हूं कि 60 साल की बच्ची कैसे बनू। आमीन।
अधिकांश लोगों की तरह रिटायर होने की बजाय मैंने अपने रॉकिंग चेयर का सौदा हंसी खुशी और मजे का सौदा किया है, और मैं कहूंगी कि चाहे मेरी शुरुआत अच्छी ना हुई पर मेरा अंत महान होगा। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु परमेश्वर को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। कौन आपके शत्रु से पलटा लेगा? प्रभु। कौन शैतान से बदला लेगा? प्रभु। कौन मुश्किल समय पर भी सही कार्य करने का प्रतिफल आपको देगा? प्रभु। बिल्कुल ठीक, फल पाने का दिन आ रहा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ये आग वो नहीं जो आप समझते हैं, मैं भी ऐसा ही सोचती थी। यह उसके बाद मैंने इस कार्य जाना एम्पलीफाइड बाइबल में नीति वचन में दिए गए व्याख्यान से स्पष्ट होता है कि आग के अंगारों का अर्थ है परमेश्वर का धधकता प्रेम, जो आपके विरुद्ध उठने वालों के कठोर हृदय को पिघाल देता है। तो आग के अंगारों का तात्पर्य है सक्रिय और सतत प्रेम चलन, और ये कि आप उनसे अपने शत्रुओं से प्रेम करते रहें, प्रेम करते रहें और प्रेम करते रहें, प्रेम करते रहें, प्रेम करते रहें, जब तक कि उनका कठोर हृदय पिघल कर परिवर्तित ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि यीशु मरा ताकि आज मैं जो जीवन जी रही हूं उसे जी सकूं। इसका गलत अर्थ मत निकालिए, मेरा मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर का स्थान ले लें, बल्कि वो हमारे द्वारा कार्य करता है। आज आप में से अनेकों ने जो जीवन पाया उसके लिए मुझे मरना पड़ा, और आपको भी मरना जरूरी है ताकि आप किसी और को वो जीवन प्राप्त करा सके जिसे देने के लिए यीशु मरा। किसी के जीने के लिए किसी को मरना जरूरी है। आज के लिए मैं बहुत ही प्रभावशाली विचार लाई हूं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। ये कभी ना भूलें कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरा विरोधी होगा, यदि प्रभु मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं। पहला योना 4 में परमेश्वर का वचन सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर के परिपूर्ण प्रेम को समझ लें तो हमारे जीवन से हर प्रकार का भय दूर हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि अब आप याद रखें, प्रभु ने आपको चुना है और उसने बहुत पहले से ही आपको अपने लिए अलग किया है। उसने ऐसा किया है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और मसीह यीशु के द्वारा आपसे व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। उसके प्रेम को आज ही ग्रहण कीजिए, आपके जीवन की सारी समस्याओं के लिए यही दवा है। प्रभु आशीष दे।